भाई तो चार है, एक तो गुम हो, 26 साल हो गए भाई। सारा गफलात सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसरा, गड़ी खींचे फूल। वो रेल मो है कौन, आपकी कोई प्रेमिका है क्या है मतलब? ओ यार थी कोई प्यार मोहब्बत वाली। प्यार मोहब्बत आप, प्यार आपने भी क्या है? थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास एक ऐसे शख्स मौजूद है जो मतलब बहुत पुराने किस्म के हैं, मतलब कि ऐसे जैसे लोग 50-60 साल पहले जैसे जीते थे वैसे जीते हैं। मान के चलिए वो कैसे जीते हैं, जैसे आज के जमाने में सभी लोग क्या करते हैं कि जो भी खाना पीना होता है सब बाजार से लेके आते हैं वही खाते हैं, लेकिन इनके पास अपनी इतनी जमीन है कि मतलब सब कुछ घर का होता है, घी से लेके दाल लेके चावल लेके रोटी वगैरह जो कुछ भी बनता है वो घर का सब बनता है। चलिए गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसा क्या है इनका लाइफस्टाइल, कैसा है और क्या करते हैं, या क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है चहल सिंह। चहल सिंह, तो आप रहते कहाँ पे हैं? मतलब गाँव मतलब। अच्छा, और आज यहाँ आप अभी यहाँ पे कर क्या रहे हो? बस घर पर काम शाम। तो अभी हम तो गायों के साथ आए। अच्छा, गाय को चराने लेके आए थे। आपको कितने गाय वगैरह, क्या बैल वगैरह क्या क्या रखा हुआ आपने? भेड़ बकरी? भेड़ बकरियाँ है, गायें हैं। अच्छा, और क्या क्या रखा हुआ? और बस आदमी है घर में। कितने भाई हो? भाई तो चार है, एक तो गुम हो गया, तीन है घर में। भाई गुम हो गया, तो भाई वो गुम कैसे हो गया और कहाँ है? आज भी तक घर वापस नहीं आया क्या? कहाँ आया उसको तो 26 साल हो गए बाहर। 26 साल बाहर हो गए मतलब घर मुड़ के आया ही नहीं? नहीं नहीं। तो जब वो घर से मतलब गुम कैसे हुए थे, वजह क्या थी? वो यहाँ से एक डॉक्टर ने इसको बुलाया कि मेरे पास आ, मेरे घर में कोई काम नहीं आपको है, कुछ नहीं, मेरे घर रहेगा। डॉक्टर कहाँ का था? डॉक्टर तो जम्मू आगे क्या बोलते हैं यार, हीरानगर का है ना। अच्छा। वो दलीप सिंह। अच्छा, फिर जब उसने बुलाया तो फिर वो चला गया? वो चले गया, उसने कहा मैं अपने पास रखूंगा। उसने अपने पास नहीं रखा, उसने रखा भाई के पास। भाई उसका नाम है रवि सिंह, बड़ा फौजी था। अच्छा, उसके पास उसने रखा घर पे। तो फिर मतलब उसने रखा तो फिर वहाँ से घर वापस नहीं आया क्या? वहाँ से घर वापस आया, यहाँ से बूढ़ा गया, बूढ़ा उस वक्त तो जिंदा ही था, बूढ़ा गया यहाँ से उसको ढूंढने के लिए। वहाँ उन्होंने उधर घर में रखा था पत्ते शत्ते लाने के लिए। अच्छा। वहाँ उसकी मम्मी बोलने लगी कि यार इसने हमारा बुरा हाल किया, मार पिटाई की। अच्छा। हमने कहा किस वजह पर, कि जब तक आपने कुछ किया नहीं इसके साथ तब तक ये किसी को मार ही नहीं सकता है। बोलने लगा हम इसको अपनी मर्जी है, ये काम करे या नहीं करे, इधर बैठ के रहे या घर जाए, हम इसको कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद मेरा डैडी भी बेचारा ढूंढते ढूंढते ही गुजर गया मौत में। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से चला गया? चला गया यार, यहाँ नहीं है। अच्छा, उसके बाद कोई पता ही नहीं लगता है। वो पढ़ा लिखा था कि नहीं? अनपढ़ था बेचारा। अच्छा, लगभग 26 साल हो गए अभी तक वो घर वापस नहीं आया। 26 साल वो 96-97 में गया है। अच्छा, तब से लेकर अभी तक वो वापस नहीं आया। तो उसके बाद कोई चिट्ठी कोई फोन वगैरह तो उस टाइम शायद नहीं होता तो था। आई थी दो दफा, एक दफा आई थी पिंगलोगा के लिए, वो डाकखाने के लिए, वहाँ से डाकिया ने वापस कर दी, बोला कि भाई बेरंग चिट्ठी भेजी, मुझे पैसे भरने पड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ किसी को पता ही नहीं लगा तो मैंने बैग कर दी, वापस कर दी। अच्छा अच्छा। उसके बाद दूसरी दफा आई तो वो पकड़ी, आई घर में तो वो हिंदी में लिखी थी, तो उस पर लिखा था क्या बोलते हैं यार, लेटर पे क्या लिखा था? वो लेटर पे लिखा था पदमपुर श्री गंगा नगर, मैं आप आकर पता कीजिए, नाम मेरा भाई का इन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा। नाम गुप्त रखा था। अच्छा, गाय भी रखा है नाम उसका। बोला था कि भाई यहाँ है। एक बार नाम बता, अगर वहाँ की कोई ऑडियंस अभी देख रही होगी तो जरूर बताएगी, उस बंदे का नाम क्या था? ओमनाथ। ओमनाथ? ओमनाथ। सनाफ मोर सिंह। तो लगभग 26 साल हो चुके हैं। तो गाय अगर वहाँ से कोई देख रहा है या फिर जानता है कोई, तो प्लीज दिया हुए नंबर
सेकंड पर भी आपको दिख रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बड़े भाई को जॉब शॉप करते हैं, क्या करते हैं आपके? वो कुछ नहीं। अच्छा, तो आपने शादी वगैरह कर ली है? नहीं नहीं, शादी नहीं की है। और घर पे सिस्टर वगैरह रहते हैं कोई? हाँ, एक बहन है। अच्छा, मम्मी पापा? तो डेथ हो गई उनकी। अच्छा, न मम्मी है न पापा है। अच्छा, तो बाकी समझ लो घर का गुजारा आप ही चलाते हो, आपके भाई वगैरह। ठीक, तो आपने पढ़ाई वगैरह की है? पढ़ाई की है, कौन सी क्लास तक? ये मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक की है। तो जॉब वगैरह नहीं लगी है? मुझे आपका स्टाइल बहुत बढ़िया लगा, जैसे आप इस अंदाज में थे तभी मैं आपके पास आया और मैंने आपकी एक वीडियो शूट की। तो ये आप बहुत सारे लोग देखेंगे, और आप हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे, जो लोग आपकी वीडियो का भी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो बाकी आप मतलब आपका स्टाइल वगैरह थोड़ा पुरानी किस्म का है ना, जैसे ओल्ड जमाने में रहते थे वैसा आपका स्टाइल है। अगर ऑडियंस आप चाहते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल देखना, मतलब इनका लाइफ स्टाइल है कि मान के चलो 50-60 साल पहले लोग हमारे मतलब जैसे गांव में रहते थे वैसे इनका लाइफ स्टाइल है, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इनकी वीडियो वो लेके आएंगे। इनका लाइफ स्टाइल, इनका घर कैसा है, घर पे कौन कौन रहते हैं, खाना कौन बनाता है, कैसे क्या। तो आप मुझे बताएं, आपके घर पे मम्मी पापा नहीं है तो आपकी शादी भी नहीं हुई अभी? नहीं नहीं, शादी भी नहीं हुई है अभी। तो आपको खाना वगैरह कौन बना के देता है? खुद बनाता हूँ। तो खाना वगैरह खुद सभी बनाते हो? हाँ। घर का सभी काम खुद? खुद खुद। लस्सी वगैरह खुद बनाते हो सब? लस्सी सारा कुछ। तो देखिए लोग, देखिए गाइस, आप की झाड़ू से लेके लस्सी से लेके खाना तक रोटी तक खुद पकाते हैं, मक्की की रोटी तक। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो वाली वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इनके वो वीडियो भी लेके आएंगे। तो चलिए, उससे पहले हम आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं। जब मैं आ रहा था नीचे से आप गाना गुनगुना रहे थे तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो आप कुछ सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को। फुलात सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, गफलात सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा, गड़ी बीच फूल माला लोचन प्रेम रसाले, घाटी व घाटी तन के लिए इशारे। गाइस क्या बात है, कितनी आवाज देखिए बंदे की। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। गड़गी से फूल माला लोचन प्रेम रसाले, गाफल सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा। तो गाइस इनकी वॉइस के लिए आपको लाइक जरूर करना पड़ेगा। और मुंडे मुंडे थनेदार रले मु सूट बदले, और मुंडे मुंडे थनेदार रले मु सूट बदले, बदले दो चार रले मु सूट बदले, सूट बदले दो चार रल मुट बदले, ओ रल मुंडे मुंडे सूबेदार, ओ रल मुट बदले, ओ रल मुंडे मुंडे सूबेदार, रेल सूट बदले। हाँ जी, आप बताए कि आपने जो गाना गाया कि रेल मु सूट बदले, मतलब वो रेल मु है कौन? आपकी कोई प्रेमिका है क्या है मतलब? ओ यार थी कोई प्यार मोहब्बत वाली। प्यार मोहब्बत? आप प्यार आपने भी क्या है? थोड़ा थोड़ा कभी कभी। देखे गाइस, प्यार इन्होंने भी क्या है? थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या? तभी बोलते रेल मु सूट बदले दो चार है, क्या बात है। रेल मु एक मशहूर थी। अच्छा, इसका मतलब छोड़ दिया, धोखा दिया क्या? धोखा कहीं दिया यार, दिल टूट गया बेचारे का यार, क्या बात है। अच्छा, रेलमो के मुंडे थानेदार, उसके लड़के थानेदार है आपके? थानेदार थे, सूबेदार थे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सूबेदार थानेदार। मगर आपको छोड़ के चली गई है? चलेगी कहीं। ठीक ठीक, मतलब धोखा आपकी तरफ से हुआ था या उसकी तरफ से, रेलमो की तरफ से? रेलमो की तरफ से हुआ, मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। रेलमो ने धोखा दे दिया यार, क्या बात है यार, क्या बात है गाइस। रेलमो ने इनको धोखा दे दिया, तो चलिए। तो उसके बाद अगर आपके क्या क्या शौक वगैरह और क्या कुछ करना चाहते हैं आप, क्या कुछ मतलब आगे आपके क्या क्या शौक है? जैसे आप गाना भी गाते हैं और डांस वगैरह करते हैं, क्या कुछ करते हैं? डांस कम ही करते हैं। डांस कम ही करते हैं, ठीक। और क्या क्या कुछ करते हैं आप?
और बस गाने छाने बोल सकते हैं, हम जमींदारी करते हैं। अच्छा, जमींदारी तगड़े हिसाब से करते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब जमीन में कितना क्या कुछ निकल जाता है आपको? सारा कुछ बनता है, मक्की बनती है, गंदुम बीजिएगा वो भी बनता है। मतलब पूरा साल का आपको गुजारा वहाँ से हो जाता है। देखे गए ऐसे जमींदार है जो 12 महीने मतलब बाहर से कुछ ना भी खरीदे तब भी सिस्टम चला सकते हैं। सब कुछ घर से निकलता है, घी इनके घर में बनता है, राजमा दाल वगैरह सब कुछ इनके घर में, मक्के इनके घर में। कमी है तो सिर्फ एक बीवी की है, बस वही है ना, सिर्फ एक बीवी की कमी है, परिवार की बस। बाकी सिस्टम बहन भाई जो सब है वो भी शादी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए गाइस देखते रहिए हमारे चैनल को। तो इसी